विक्रम जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये मन में आता है कि ये वर्ष भारतीय कॉटन जीनस के लिए कैसा रहा? इस साल में जो भारतीय कॉटन जीनस है उनको अच्छा नहीं रहा, नहीं रहा, क्योंकि पहले जब जमीन चालू हुई तब से वो डिस्पेरिटी चल रही थी और उसके बाद जो स्टॉक किया जी। वो माने तैयारी तैयारी जगह जो बात था वो स्टॉक बढ़ा रहा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, वो भाव गिर के 40,000 में बिका, तो उसमें भी उसको नुकसान हुआ। 42,000 में रखा हुआ माल 4-5 महीने बाद 40,000 में गया, तो उसमें भी उसको नुकसान गया जी। और अगले जो चालू किया उसमें कोई मुनाफा मिला नहीं, डिस्पेरिटी चल रही थी। इस साल में किनिंग फैक्ट्री वाले को अच्छा वर्ष नहीं मिला, नहीं गया। विक्रम भाई, कॉटन सीजन के दरमियान आप मार्केट का जजमेंट कैसे लेते हैं? कॉटन इनिंग सीजन के दरमियान हम मार्केट में एक्सपोर्टर कितने लेवल हैं, मिल वाले का कैसा बाइंग है और यान का कैसा मूवमेंट है, फॉरेन कैसा यान जा रहा है, वो सब देख के और कितना माल स्टॉक बढ़ा है, कपास कितना बढ़ा है, वो सब निकाल के इसके ऊपर हम जजमेंट लेते हैं। विक्रम भाई, अक्टूबर से शुरू हो रहे नए सीजन के दरमियान आपके हिसाब से बाजार कैसा रहेगा? नहीं, अक्टूबर से जो बाजार चलेगी उसमें ऐसा है कि क्रॉप भी अच्छा है, पौधा भी अच्छा है और ज्यादा सोइंग है, तो ये साल में 4,50,00,000 तक गठन हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो बाजार अभी जो चल रही है उसमें 2-5,000 खंडे के नीचे आ जाएगा, 35-36 का भाव आ जाएगा ऐसा हमको लगता है। और इंडिया के बाहर भी समझो दूसरे देश है उसमें भी बाजार की पोजिशन डाउन हो रही है जी। और एंटीयर वायदा भी घट रहा है, तो जरूर इंडिया में भी भाव घटेगा ऐसा मुझे लगता है। और विक्रम भाई, कॉटन क्रॉप के रिपोर्ट के लिए आपको किस पर या किस संस्था पर सबसे ज्यादा विश्वास है? कॉटन क्रॉप के लिए पहले तो है इधर गुजरात की जो गवर्नमेंट है जी, इंडिया की, वो उससे आने वाला उसके पर डिपेंड करते हैं। दूसरा अपना जो कॉटन एडवाइजरी बोर्ड है जी, उसका भी देखते हैं, शीशे वाले भी रिपोर्ट निकलते हैं उसका भी देखते हैं, और कई जीनर्स हैं और हम खुद भी देखते हैं कि भाई कितना क्रॉप है, कैसा है, ये सब देख के हम भी निकाल सकते हैं कि ऐसा होगा ऐसा, इसीलिए क्रॉप का हम भरोसा करते हैं। विक्रम भाई, बाकी जीनर्स के लिए रुई की गुणवत्ता में सुधार लाने और ये जो गलत चाल चलन चल रहा है अभी बाजार में, इससे बचने के लिए आपके क्या सुझाव है? मेरा तो ऐसा सुझाव है कि जीनर्स लोग जो अभी अंदर माल डालते हैं वो क्वालिटी बिगाड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी बना के तुम रूल बनाएंगे तो अच्छा भाव भी मिलेगा, सामने वाले को भी अच्छा अकाउंट मिलेगा तो उसको भी पड़ता रहेगा। भाई, मिक्सिंग होने के कारण से मिल वालों को भी नुकसान पड़ता है, कोई कोई शॉर्ट पेपर डालते हैं, कोई दूसरा माल डालते हैं, इसके कारण से रूल की गुणवत्ता नीचे हो जाती है। इसीलिए फर्दर में जो अच्छे में डालते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, क्वालिटी वाला माल क्वालिटी में डालो तो अच्छी गुणवत्ता जो आप रखेंगे तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और यही से आगे बढ़ते हैं कि आजकल बाजार में विश्वास की बहुत ही कमी है, जैसे जिनर्स को मिल वालों पे, मिल वालों को जिनर्स पे, जिनर को एक्सपोर्टर पे, एक्सपोर्टर को जिनर पे, विश्वास दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं कि कौन क्या बना रहा है और कौन क्या कर रहा है, ये अंदाज नहीं आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी कंपनी जो काफी सालों से आप चला रहे हैं उसकी गरिमा और आर्थिक व्यवस्था बना के रखने के लिए क्या खास कर रहे हैं? अभी समझो ये जो बाजार में विश्वास अविश्वास का जो वातावरण पैदा हुआ है जी, इसके लिए हम समझो काम करेंगे तो अच्छी पार्टी से करेंगे, अच्छी मिर्ची करेंगे, अच्छी क्वालिटी बनाएंगे देंगे, क्योंकि अभी किसी का कोई ठिकाना नहीं है। एक्सपोर्ट वाले क्या करते हैं, कोई काम माल देते हैं उसको लॉस आता है तो पैसे देंगे नहीं देंगे, ये सब विश्वास अविश्वास वातावरण हो गया है। इसलिए लोगों को धंधा करने में भी डर लग रही है कि इतना 1-20 लाख का माल किसको देंगे, ऐसा कब आएगा जी, तो उसी कारण से लोग अभी डर रहे हैं कि किसको पर भरोसा करेंगे। अच्छी पार्टी है वो नीचे में मांगेगी, पूरा इंडिया का माल है, थोड़ा एक दो चार पार्टी के इंडिया में जो 10-15 अच्छे मिल वाले हैं तो पूरा इंडिया का माल थोड़ा ले सकते। एक तरीका है कि वो सोचने का तरीका है कि भाई हम क्या करेंगे, सोच सोच के अच्छी पार्टी कौन है, कैसा काम कर रहे हैं, वो सब देख के मांग लीजिए।
पर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम भाई। तो विक्रम भाई की बातों से ये तो तय है कि आज ये 40 से 50 साल से रुई के धंधे में हैं। रुई का व्यापार ये अपने नाम के लिए कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। पैसा तो इस नाम का एक फक्त रिजल्ट है। तो इनकी बातों से ये ध्यान में आ रहा है कि आज जिनर्स को बहुत ही सतेज और बहुत ही साहसी होने के साथ में अपने नाम के लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। इस अविश्वास के वातावरण को कुछ हद तक बदलने के लिए आपका परफॉर्मेंस ही इसका सोल्यूशन है। आप अच्छा माल बनाते जाइए, अच्छे बायर ढूंढते जाइए और अच्छे लोगों से काम करते जाइए। तो मुझे लगता है कि जो कामयाबी विक्रम भाई ने ये सब करके हासिल की है वो हर कोई जिनर कर सकता है।